नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज की इस छोटी सी वीडियो पर। आप लोगों का हम दोनों की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग ठंडी और बरसात के समय में, बेवजह बरसात के समय में आप लोग शायद अपने अपने घर में अच्छे ही हैं और स्वस्थ भी हैं। तो दोस्तों कुछ बातें आप लोग को बताएंगे। दोस्तों आप लोग इंटरेस्ट रहिएगा सुनने के लिए। तो चले दोस्तों वीडियो को देरी ना करते हुए हम लोग, तो दोस्तों पिछले 2 या 3 दिन से आप लोगों को शॉर्ट वीडियो भी दिखने को नहीं मिल रहा है और लॉन्ग वीडियो भी नहीं दिखने को मिल रहा है। किस वजह से आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि अभी आरती देसी ब्लॉग में क्यों वीडियो नहीं डाल रहा है और क्यों वीडियो नहीं देख रहे हैं। कुछ वजह तो कुछ हो सकता है, या कहीं गए हैं, कुछ कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग सच में अच्छे ही कर रहे हैं। आज सुबह सुबह, आज जैसे मंगलवार है 14 तारीख को, आज जाके हम दोनों को फ्री मिला, हमको भी फ्री मिला और दुकान भी ठीक से नहीं बैठ पा रहे थे हम लोग के घर में। ये तो मेरा ससुराल है, तो इस दुकान में रह के, इस ससुराल में रह के मैंने बहुत सारे बातें आप लोगों से की और अचानक घर से एक सूचना मिला। और मेरा तो आप लोग जानते हैं कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जो मेरे वाइफ का जो एक मानसिक दिया गया था, जो उसका बाल जॉट हुआ था, तो उसको मानसिक शोध किए उस मंदिर में। हम लोग का गांव का जो मंदिर है शिव मंदिर, उसी मंदिर में इसका मानसिक दे दिए और जो जॉट था उसको काट दिए, तो बहुत बहुत अच्छी हुआ। और अभी मेरा वाइफ का जो बाल है पूरा उखड़ गया है, निकल गया है और पीछे में जुड़ा बांधने लायक बन गया है। तो बात यह है कि दोस्तों उस हमारे जो गांव का नाम गंदरा कोचा है, उसी गांव में एक शिव मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है जो पूर्वजों से पूजा पाठ करते हुए आ रहे थे मेरे दादाजी। जो पूर्वजों से जो दादाजी थे वो वहाँ पे पूजा करते आ रहे थे। मेरा आवाज कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि दोस्तों मेरे को सर्दी हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और खारा भी हुआ है, मेरा आवाज नीचे दब गया है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इसीलिए सब कुछ जो है मेरा हस्बैंड बोल रहे थे, हम चुपचाप है थे। तो दोस्तों हमारे जो घर में अचानक बुलावा आया और उस बुलावा का कारण है शिव मंदिर के जो पुजारी, मेरे जो बड़े पापा, अपना पापा के जो बड़े भाई, वो पिछले शनिवार को और देहांत हो गया उनका। और इसीलिए मेरा मोबाइल तो बंद था, मुझे सूचना नहीं मिला। और अचानक मेरा यहाँ बगल में मामा रहता है, उनको फ़ोन किया, उनके द्वारा हम लोगों का यहाँ जो हम दोनों के बीच में जो खबर आया, तो बहुत ही दुखद घटना था। उस दुखद घटना सुनते ही मैंने तुरंत मेरे वाइफ को बोले और हम लोग अपने बच्चे को साथ में लेके किसी तरह अपना जो वेशभूषा ऐसे ही चले गए थे। तो उसका वीडियो हम आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं, अगले वीडियो में आप लोगों को ये वीडियो दिखाएंगे। तो मेरा बड़े पिताजी, उस मेरे दादाजी पहले पूजा करते हुए आ रहे थे, इसके बाद वो देहांत हो गए, तो उनके जो बड़े बेटे, मेरे बड़े चाचा, मेरे बड़े पापा जो है उनको ये जिम्मा दिया गया था कि वो पूजा पाठ कर रहा था मंदिर में। तो अभी वो पिछले शनिवार को यानी कि इसी महीने के 11 तारीख को वो सुबह के 8 बजे इस दुनिया से विदा हो गया है और इस दुनिया से चल बसे। तो मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि मेरे पिताजी तो पहले 2 साल पहले ही डेथ कर गया था, वही एक सहारा था हम लोग का परिवार में,
और हम लोग सब एक जॉइंट परिवार में अभी भी है। तो मेरा बड़े पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, हमको बहुत दुख लगा। और एक पुजारी भी थे जो मंदिर का देख रेख वही करता था, पूजा पाठ वही करता था। अचानक उनका कोई बीमारी नहीं था, उनका कोई बीमारी भी नहीं था। करीबन वो 95 साल के थे, फिर भी वो बहुत ही तंदुरुस्त थे। तो अचानक सुबह को जब उठा तो वो बाहर चले गए, वहाँ उधर से बाथरूम करके आए। आने के बाद आके घर में बैठा, किसी से बातचीत भी नहीं किया था। फिर दोबारा उसको अचानक पेट दर्द किया, तो फिर मेरे घर के जो है ऊपर साइड वो खाली जगह था, उधर चले गए। सुबह का समय था, करीबन 7 बजे ये सब, तो उधर चले गए। फिर एक लोटा था उनका, जो बार बार पकड़ता था वो सिर्फ धोने के लिए। तो ऊपर जैसे ही गया वो बाथरूम करने के लिए, फिर दोबारा लोटा जब पानी जो कटोरा से घोटी से ले रहा था, तब उस समय वो कटोरा लेने के लिए घर आया। उसके बाद जैसे कटोरा में पानी भर के धोने के लिए इधर पीछे तरफ गए, घर के पीछे तरफ, वहाँ अचानक गिर गया। और गिरने के बाद किसी ने उसको देखा नहीं, क्योंकि सुबह का समय था। बाद में उनका जो बहू, जो बेटा के वाइफ का बहू जो है, ऐसे ही लकड़ी चुनने के लिए सुबह में जो जलाना पड़ता है आग खाना पकाने के लिए, तो निकले तो देखा कि गिरा हुआ है। मेरे जो भाई है उनको बुलाए, वो लोग अपना काम में बिजी हुआ था, क्योंकि सुबह में हम लोग का गाँव देहात में सुबह हुआ कि नहीं, बाथरूम करके आए, अपना काम में लगे रहे। तो घर के बगल में आम के पेड़ के नीचे वो खटिया बनाने का कुछ सामान जुगाड़ कर रहा था, कुल्हाड़ी से काट रहा था। तो उसको बुलाया, लोग भी अचंभ हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, इस तरह बात करके तो उसको बुलाने लगे। तो जैसे ही गिरा तुरंत उसको पकड़ के उसका जहाँ सोने का जो जगह था उसको वहाँ लेटाया। इसके बाद तहलका मच गया हम लोग का घर में, क्या हुआ, नहीं बड़े पापा गिर गया है। उसको उठाया, उसके बहू ने, राम साहब ने उठाया और वो लेटा दिए। इसके बाद फिर उसका शरीर जो कांपकांपी आ रहा था, उसको तरह तरह के मालिश करने लगे, पैर में हाथ में ठंडा हो, तो ठंडा हो इसके लिए वो लोग बार बार जो है उसका हाथ पैर घोस रहा था। अचानक सब कोई रहा उस समय, ना पानी पिया, ना कुछ बातें किया, कुछ नहीं किया। और उन लोगों के खटिया, हम लोग जो खटिया में सोते हैं, खटिया के चारों तरफ बैठा हुआ था, उसी दरमियान उनका सांस अचानक चले गए। तो जैसे ही हमने वहाँ जाके सुना तो मुझे बहुत तकलीफ लगा, क्योंकि मेरे बड़े पापा थे और उस दुनिया में अभी नहीं है। हम लोग का आंखों के सामने उसका सांस रुक गया, किसी को पता नहीं चला। तो यही हम लोग का बहुत बड़े दुर्घटना घटी मेरे घर में। अभी वहाँ हमें उसी बात का चिंता है। और जब भी हम पहले जो घर जाते थे उनसे ज़रूर बात करते करके आते थे दोबारा। तो मेरा वाइफ का भी यही हाल है, उसको जो है इसको जोड़ जो लगा हुआ था, उसने कहा कि ये हम लोग का इसी भगवान की देन है, जो हम लोग का घर में किसी ना किसी को होता ही है। तो इसी कारण से उनको जो है बहुत मानते हैं। और गांव के लोग और जो पूजा करने आते हैं दूर दराज से, जो भक्तगण था, वो लोग भी उसको बहुत मानते थे। तो जैसे ही वो लोग से वहाँ भी समाचार मिला कि ये ऐसा हो, घटना हो गया, तो वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो इतना भीड़ हुआ था उस समय शनिवार के दिन। और हम लोग यहाँ से करीबन शनिवार को जैसे ही समाचार मिला वैसे हम लोग तुरंत ड्रेस करके चले गए, दुकान बंद करके। और वहाँ जाके दो ढाई घंटा लगा। जैसे ही वहाँ पहुँचे सारा गांव के लोग एकजुट हो गए थे। फिर अपना मातम, जो सुख दुख का जो चेहरा, सबका आंखों में एकदम मायूस चेहरा, रोते हुए भिलकते हुए सब कोई को देखे, तो हमें भी मेरा आंसू भी रोक नहीं पाया, जो कि मेरा आंसू भी टपक गए। तो सब कोई गांव के लोग
वहाँ पहुँचे हुए थे, उनको पार्थिव शरीर को देखते तब तक हम लोग भी पहुँच गए। और वहाँ अपना हम कैसे पहुँचे दोस्तों ये पता नहीं चला हमको, कैसे गए, कैसे सामान घर में रखे जो लेके गए थे वो भी हमको पता ही नहीं चला। और हम भी वहाँ कुछ प्ले नहीं था, कोई पत्थर कोई जंगल झाड़ी वैसा कुछ नहीं था। आप लोग सोच सकते हैं कि ये घटना अचानक होता है ना, कि कोई बीमारी पहले से था, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसका बीमारी कुछ भी नहीं था। तो दोस्त सोच सकते हैं, और यही आप लोग से मुझे आप लोग को बताना था, मैंने बता दिए। तो आप लोग गौर करिए कि क्या, तो अगले वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को मेरा बड़े पापा सिचुएशन कैसा था, उसका वीडियो भी है, अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, अगले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। आप लोग अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। और आज का दोस्तों वीडियो में आप लोगों के साथ इतना ही नज़र आएंगे, क्योंकि मेरे बात अभी नहीं निकल पा रहा है, मेरा अंदर अंदर से मेरा सांसें जो है कुछ अलग टाइप का लग रहा है, कुछ बातें करने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी बहुत कोशिश किए, मेरे भाई मुझे बहुत हौसला बढ़ाया कि आप लोग अपना व्यूवर्स को जो बता दीजिए कि किस कारण से वीडियो नहीं डाल रहे थे। और तो मेरे भाई मुझे प्रोत्साहन किया कि आपको बताना पड़ेगा अपने व्यूवर्स को किस कारण से वीडियो नहीं डाले। और अपने जो बड़े पापा है वो एक पुजारी थे, मंदिर के पुजारी थे, उनको उनके बारे में आप जरूर दो शब्द बोलेंगे अपने व्यूवर्स के लिए। तो दोस्तों किसी तरह मैंने साहस बढ़ाया मेरे वाइफ ने, और हमने आप लोगों को बताया। तो खैर दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के लिए आप लोग जरूर इंतजार करिए। तब तक के लिए उनका जो वीडियो है वो वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार, बाय बाय।